हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल ऑडियोबर्स जीनियस डॉक्टर ब्लैक बेली मिस चैप्टर 2411 हजार चार टू दो अदिति लो किंगचेंग ने उस परिचित आकृति को घृणा भरी दृष्टि से देखते हुए अपने दांत पीस लिए पांच साल बीत चुके थे और वह एक बार भी नहीं भूली कि उसने क्या किया था वह उस दिन की सारी शर्मिंदगी नहीं भूलेगी काली सेना के सामने खड़ी महिला चांदी का हल्का कवच पहने हुए थी और सफ़ेद घोड़े पर सवार थी यह आसपास के काले कपड़े पहने सैनिकों के साथ बिल्कुल विपरीत था जबकि यह काली सेना लोगों के आगमन का अभिवादन कर रही थी किंगचिंग जैसे जैसे उनमें से अधिकाधिक लोग शहर के द्वारों से बाहर निकलते गए काले कपड़ों में बड़ी सेना ऊपरी क्षेत्र की सेना का स्वागत करने के लिए तैयार दिख रही थी लोग किंगचिंग ने लगाम खींच ली और उसके पीछे की सेना तुरंत रुक गई सभी की निगाहें अचानक सामने आई काली सेना पर टिक गई यह सब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे ऊपरी लोग के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे अदिति राजसी घोड़े के ऊपर बैठ गई और रात्रि शासन की सेना को पीछे लेकर आगे बढ़ी उसके पीछे वॉचतावर पर जून जियान लंबा खड़ा था और उसने अपनी पोती को देखा जो गर्व से चमकते हुए हवा में खड़ी थी आखिरकार यह दिन आ ही गया जून जियान ने धीरे से आह भरी लेकिन उसकी आवाज़ में उदासी का कोई निशान नहीं था इसके बजाय उनके स्वर में एक अनुभवी व्यक्ति के अनुभव की शांति और तीक्ष्णता थी ड्यूकलिन कृपया निश्चिंत रहें यंग मिस निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी अपने पक्ष में खड़े होकर चेन ने अटल स्वर में कहा खुद और बाई दोनों जू चिकित्सा में कुशल थे और केवल उनकी ताकत के कारण वे इतने भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं थे उन्हें पीछे रहने की व्यवस्था की गई थी और वे घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए तैयार थे लू किंगचिंग ने अपना सिर हिलाया उसकी नजर अदिति की पीठ पर टिकी थी अदिति की तरफ उसके साथी भी थे जो उसके बगल में लड़ने जा रहे थे चू फैन झुओ हुआ याओ फी यान और रोंग रो इस बार वे अदिति के साथ मिलकर ऊपरी क्षेत्र की सेना के खिलाफ लड़ेंगे और पांच साल पहले की गलती नहीं दोहराएंगे लोह से लगभग सौ मीटर पहले रुक गई पूरी रात्रि व्यवस्था उसके पीछे इकट्ठी हो गई थी किंगचेंग और ऊपरी क्षेत्र की सेना अदिति ने एक बार फिर उस अपराधी को देखा जिसने उसकी हर प्रिय चीज को नष्ट कर दिया था लो किंगचिंग मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जीवित होगे आपका जीवन कितना लंबा है लोह किंगचेंग ने दूर से अदिति की ओर देखते हुए व्यंग्य किया उसकी आंखें द्वेष से भरी थी और घृणा से जल रही थी पिछले पांच सालों में अदिति पर कोई निशान नहीं बचा इसके बजाय उसकी विशेषताएं अधिक परिभाषित और परिष्कृत दिखी पहले की तुलना में और भी अधिक आकर्षक लग रही थी पाँच साल पहले की तुलना में वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आई पांच साल पहले अदिति के पास पहले से ही एक अद्वितीय चेहरा था जो लो था किंगचेंग से अभी भी तुलना की जा सकती है हालांकि पांच वर्षों के बाद अदिति की शक्लसूरत में ज्यादा बदलाव नहीं आया लेकिन अधिक परिष्कृत विशेषताओं के साथ और उसके स्वभाव में छेड़छाड़ के बाद उसने लुअ जैसा आकर्षण प्रदर्शित किया किंगचिंग की अब तुलना नहीं की जा सकती इससे लुअ के भीतर और अधिक नफरत और गुस्सा भर गया किंगचिंग लुअ जब किंगचिंग ने उसकी शक्ल देखी तो वह बेहद चिड़ गई क्यों वही पांच साल बीत गए लेकिन फिर भी उन्हें इतना जबरदस्त अपमान क्यों सहना पड़ा लेकिन अदिति और भी खूबसूरत नजर आई लो किंगचिंग की नफरत आसमान तक पहुंच गई थी और वह उस खूबसूरत चेहरे को फाड़ने और उसके टुकड़े टुकड़े करने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी अदिति शांति से घोड़े पर बैठ गई और उसने अपनी ठंडी निगाहें उठाई और लोअ की ओर देखा किंगचिंग का चेहरा नफ़रत से भरा हुआ था अगर मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा तो मैं कैसे मर सकता हूं अदिति की आवाज़ बहुत तेज थी लेकिन सबको साफ सुनाई दे रही थी अदिति की बातें सुनी झी चांगमिंग और वे या जो लोगों के पीछे खड़े थे किंगचेंग आश्चर्यचकित रह गए क्या वे दोनों वास्तव में एक दूसरे को जानते थे जिस बात ने उन्हें और अधिक आश्चर्यचकित कर दिया वह यह थी कि चाहे वह लो ही क्यों न हो किंगचेंग हो या अदिति ये दोनों एक दूसरे के प्रति बेहद नफ़रत रखते थे वे लंबे समय से ऊपरी क्षेत्र में हैं और शीर्ष दस विशेषज्ञों का हिस्सा होने के कारण वे लो को जानते थे किंगचेंग ठीक है लो किंगचेंग की ताक़त ऐसी थी जिसने ऊपरी क्षेत्र के लोगों को हैरान कर दिया था और उसकी स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा ने उन्हें केवल धूल ही दिखाई थी और उन्हें पकड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि वास्तव में दुनिया में कोई है जो उनके चेहरे पर ऐसी जबरदस्त उकसावे वाली बातें कहेगा लुअ को नहीं मारा है किंगचिंग फिर भी वह कैसे मर सकती है अदिति की बोली में कोई चढ़ाव नहीं था लेकिन वे या उन शब्दों में हत्या के मज़बूत इरादे को कैसे नहीं समझ सकती थी लू को मारना चाहती थी किंगचिंग हालांकि उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई वह वास्तव में लोगों को खुली चुनौती देना चाहती थी किंगचिंग क्या वह सचमुच अपना जीवन अब और नहीं चाहती लू किंगचिंग ने अपनी नजर अदिति के चेहरे पर घुमाई चाकू की तरह तेज वह उसके उस गर्वित चेहरे को काटने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी मुझे मार डालो सिर्फ तुम हाँ हाँ लू किंगचेंग अवमानना के साथ हंसे आप अतीत में एक बर्बादी के अलावा कुछ नहीं थे तुम्हें मेरे सामने कोई प्रतिरोध करने की शक्ति भी नहीं है आप में अपनी सुरक्षा करने की भी क्षमता नहीं है जब तुम इतने कमजोर हो तो ऐसे शब्द कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह मत बताएं कि आप अभी भी सोचते हैं कि अभी भी कोई रेन हुआंग होगा जो आपकी रक्षा के लिए प्रकट होगा और खुद को उड़ा देगा लोगों की आवाज किंगचेंग का ताना हर जगह गूंज उठा अदिति के पास मौजूद सभी लोगों की आंखें गुस्से से लाल हो गई रेन हुआंग की मौत अदिति की मौत का उल्टा पैमाना थी जिसे छुआ नहीं जा सका लो किंगचेंग बहुत चतुर थी और जैसे ही उसने बात की उसने तुरंत वहां प्रहार किया जहां सबसे अधिक दर्द होता है क्याओचू और अन्य लोगों की नजर तुरंत अदिति पर पड़ी उनकी आंखें चिंता से भरी थी हालांकि अदिति का चेहरा शांत था और वह लो जैसा लग रहा था किंगचेंग के शब्दों ने उसे नाराज नहीं किया था उसने केवल लो की ओर उदासीनता से देखा किंगचेंग मानो एक मृत व्यक्ति थी अदिति की चुप्पी ने लोअ को बेचैन कर दिया किंगचेंग अधिक अभिमानी वह अदिति पर तिरस्कार पूर्वक हंसी उसे विश्वास नहीं हुआ कि मात्र पांच वर्षों में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है नामबोम लाई ने एक बार उल्लेख किया था कि अदिति के पास एक स्पिरिट रिंग और लोअ थी किंगचेंग ने इसे केवल एक मजाक समझा लो किंगचेंग की प्रतिभा दुनिया में बहुत दुर्लभ थी उसके गुरु ने एक बार उल्लेख किया था कि पूरे तीन क्षेत्रों में किसी और के पास ऐसी प्रतिभा नहीं थी जो उसकी तुलना कर सके लो जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी किंगचिंग एक संपूर्ण स्पिरिट रिंग को संघनित करने की प्रक्रिया में कुछ शताब्दियां लग गई और ऐसी गति पहले से ही बेहद तेज मानी जाती थी यह बिल्कुल अकल्पनीय था कि एक चांदी की आत्मा पांच वर्षों में एक आत्मा की अंगूठी को संघनित कर सकती है अदिति मैंने सुना है कि तुम निचले क्षेत्र से हो यहाँ आपके बहुत सारे प्रियजन और मित्र होने चाहिए है ना लो किंग की नजर अचानक आसपास के हर पेड़ और घास पर पड़ी जैसे ही उसके होंठ मुड़े उसने जारी रखा यदि वास्तव में आपके हाथों में है तो मैं आपको इसे ईमानदारी से सौंपने की सलाह देता हूँ वरना जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उन्हें आपके सामने मारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है पाँच साल पहले की तरह इस बार भी मैं व्यक्तिगत रूप से यह करूंगा मैं उन्हें रेन हुआ की तरह इतनी आसानी से कभी मरने नहीं दूंगा लोअ द्वारा एक भयानक ठंडी चमक चमकी किंगचेंग की नजर में अदिति के पास आत्मा की हड्डी थी या नहीं या वह इसे आत्मसमर्पण करने को तैयार थी या नहीं वह उन सभी लोगों को मार डालेगी जिनकी अदिति को परवाह थी आत्मा की हड्डी अदिति ने अपनी भौहें उठाई और लोगों की ओर देखा किंगचिंग यदि तुम्हें चाहिए तो स्वयं ले आओ अदिति का व्यवहार इतना सहज और आरामदायक था कि उसके रवैये ने लोगों को पूरी तरह से प्रभावित कर लिया था किंगचेंग ने ट्रिगर किया वह इसे बिल्कुल समझ नहीं पाई यह बकवास जो एक बार उससे पूरी तरह से हार चुका था अभी उससे इतने अहंकारी स्वर में बात करने का साहस कैसे कर सकता है अदिति लोअ के कारण किंगचेंग का चेहरा नीला था वे या और झी चांग मिंग जो लोगों के पीछे खड़े थे किंगचेंग ने एक दूसरे से नजरें मिलाई और सीधे अपनी बात कह दी इतनी अज्ञानी छोटी कुतिया क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हम आपके साथ कुछ भी करने में सक्षम नहीं है क्योंकि आप अब निचले दायरे में खड़े हैं सच बताओ आपसे लड़ने में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है यह सिर्फ एक उंगली उठाने की बात है तुम्हारे जैसा कूड़ा करकट हमारे हमले के लायक नहीं है एक बार भी नहीं जी मिंग ने व्यंग्य किया अदिति से मिलने से पहले उसने पहले ही उस व्यक्ति की छवि की कल्पना कर ली थी जिसके पास ऊपरी क्षेत्र को भड़काने के लिए इतनी निर्भीकता और लापरवाही थी अदिति को वास्तविक जीवन में देखने के बाद जी मिंग को पता चला कि वह व्यक्ति सिर्फ एक पतली महिला थी वह बहुत कमजोर और नाजुक लग रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका एक मुक्का भी नहीं सह सकी कभी उसकी नजर अदिति के पास मौजूद पांच युवकों पर पड़ी वे इतने बूढ़े नहीं थे और चाहे उसने कैसे भी देखा हो वे कुछ अनुभवी लोगों की तरह नहीं लग रहे थे जिन्होंने लंबे समय से युद्ध का अनुभव किया था झी चांदमिंग अपने आप को रोक नहीं सका लेकिन उसने जो कुछ भी देखा उसे हास्यास्पद लगा इतनी संख्या में लोगों के साथ और आप सोचते हैं कि आप उन पांच लाख सेनाओं के खिलाफ लड़ने में सक्षम हैं जिन्हें हम यहाँ लाए हैं कितना हास्यास्पद है जी चांदमिंग ने अदिति के पीछे रात्रि व्यवस्था पर एक नजर डाली रात्रि व्यवस्था में बहुत अधिक लोग नहीं थे एक अनुमान के अनुसार उनमें से एक लाख लोग थे केवल इतनी संख्या में शत्रुओं के साथ उनके पास पांच लाख सेनाओं को रोकने का कोई रास्ता नहीं था संघर्ष करना बंद करो अन्यथा आप अच्छे दिखने में नहीं मरेंगे जी चांदमिंग को देखते हुए जो पूरी तरह से जंगली और अभिमानी अभिनय कर रहा था अदिति ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई उसकी ठंडी आंखों में कोई भाव नहीं दिखा अच्छा दिखने से मर नहीं जाओगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग और भी बदतर दिखते हो अदिति ने अचानक कहा जी चांग मिंग ने अपनी भावों को थोड़ा सिकोड़ कर असमंजस में अदिति को देखा जबकि वे या कि अभिव्यक्ति जो उसके बगल में खड़ी थी तुरंत उदास हो गई चूँकि वे निचले क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे वे उत्परिवर्तित राक्षसों के हमलों से पीड़ित होते रहे जिससे उन्हें आराम करने के लिए समय की आवश्यकता होती थी खुद को साफ करना तो दूर की बात थी इसके अलावा हर हमले के दौरान उन उत्परिवर्तित राक्षसों की गतिविधियां इतनी बड़ी थी कि हर जगह धूल और मिट्टी हमेशा उड़ती रहती थी इसने ऊपरी क्षेत्र की सेना को जो पहले बहादुरी और उत्साह से आगे बढ़ रही थी धूल से ढक दिया था जबकि विपरीत दिशा में रात्रि शासन का हर एक व्यक्ति जो अदिति के पीछे खड़ा था स्मार्ट और ऊर्जावान दिख रहा था जी चांद विंग को अदिति के शब्दों में छिपे वास्तविक अर्थ को समझने में काफी समय लग गया जिससे उनके चेहरे पर इस समय भाव सुस्त हो गए ऊपरी क्षेत्र से सोने की आत्माओं का तो जिक्र ही नहीं यहां तक कि वे या और वह दोनों इन कुछ दिनों में थक गए थे और थक गए थे उत्परिवर्तित राक्षसों के लगातार हमलों के कारण उनके पास खुद को धोने का भी समय नहीं था उन्होंने जो कवच पहना था वह धूल और खून के धब्बों से गंदा था जबकि उनके चेहरे भूरे थे एक बार जब जी चांग मिंग को वह सब कुछ याद आया जिससे वह पूरे समय गुजरा था तो वह अपने दांत भींचने की हद तक अत्यधिक घृणा से भर गया था जब तक कि वे एक दूसरे को टुकड़ों में तोड़ने वाले नहीं थे तुम छोटी कुतिया आपने सोचा कि आप केवल उन राक्षसों के साथ हमें रोकने में सक्षम हैं। आप वास्तव में ऊपरी क्षेत्र को नीचे देख रहे हैं आज मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि तुम वास्तव में कैसी दिखती हो जी चांग विंग चिल्लाया अदिति ने बिना किसी चिंता और शांति से जी चांग विंग के मुड़े हुए चेहरे पर नजर डाली उसने कहा ठीक है मैं अच्छा दिखता हूं जी चांग विंग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अदिति की बातें सुनकर लगभग अपना खून उगल दिया उसने कब कहा कि वह अच्छी दिखती थी यह छोटी सी कुतिया बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन जो शब्द वह एक बार बोलती थी वह हमेशा उसके दिमाग पर क्यों चढ़ जाते थे अदिति के शब्दों ने न केवल जी चांग मिंग को उत्तेजित कर दिया था बल्कि क्याउचू और उसके पास खड़े अन्य लोगों को भी जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया था अदिति का इस वक्त मजाक करने का मूड था कितना आकर्षक अदिति द्वारा कहे गए शब्दों के कारण जो घबराहट का माहौल पहले सबके आसपास घूम रहा था वह गायब हो गया यहां तक कि नाइट रिजीम के सदस्य भी जो हर समय सीधी अभिव्यक्ति रखते थे अपनी यंग मिस की बातें सुनने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी यदि यह ऊपरी क्षेत्र था तो इसकी परवाह किसे थी क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि उनकी यंग मिस उनसे डरेंगी तुम यह छोटी कुतिया बकवास से भरा हुआ बस देखो मैं तुम्हारे सारे दांत उखाड़ दूंगा जी चांग विंग इतना गुस्से में था कि वह लगभग आगे बढ़ना चाहता था और अदिति को मारना चाहता था लेकिन रे ने उसे अपने हाथ से रोक दिया जी चांग मिंग ने क्रूरतापूर्वक दहाड़ लगाई वेई हां तुम तो मुझे क्यों रोक रहे हो मुझे जाने दो और इस दुष्ट छोटी कुतिया को मार डालो वेई या ने थोड़ा भौंहे चढ़ा ली उसकी नजर अदिति पर नहीं थी इसके बजाय वह लो किंगचिंग की पीठ की ओर देख रहा था ऐसा प्रतीत होता है कि वह जी चांदविंग को कुछ बता रहा था जी चांदमिंग ने तुरंत वेई या की नजर पर ध्यान दिया और फिर उसने अपना गुस्सा वापस ले लिया लो किंगचेंग ने पहले उन्हें अपना आदेश दिया था कि अदिति का जीवन उसका है इस समय लो किंगचेंग के आसपास का माहौल हत्या के इरादे से भरा हुआ था ऊपरी क्षेत्र के सभी लोगों की निगाहें लो किंगचेंग पर केंद्रित थी लो किंगचेंग का बस एक शब्द और वे तुरंत सक्रिय हो जाएंगे क्या आपने कर लिया है मैंने सोचा था कि इन पांच सालों में आप में कुछ सुधार होंगे लेकिन जो सुधार हुआ वह सिर्फ आपकी बातचीत करने की कला थी लो किंगचेंग ने व्यंग्य किया अदिति की ओर देखते देखते उसने अचानक अपना हाथ उठाया और अपने पीछे सेना की ओर इशारा किया लो किंगचेंग की उंगली जिस दिशा की ओर इशारा कर रही थी उसके अनुसार ऊपरी क्षेत्र की सेना तेजी से आगे बढ़ी और अंत में सख्ती से बंद गाड़ी के साथ एक रास्ता खोला आपने मुझसे येजू को यहाँ लाने के लिए कहा क्योंकि आप उसे बचाना चाहते हैं है ना वह अब गाड़ी में है यदि तुम्हें ऐसा करने की क्षमता है तो उसे ले जाओ लो किंगचिंग का गुस्सा चरम सीमा तक भड़का हुआ था जिसके कारण वह शांत रहकर विपरीत तरीके से काम कर रही थी अपने होठों के कोनों पर मुस्कान लटकाए उसने अदिति की ओर देखा जैसे ही अदिति की आंखें गाड़ी के संपर्क में आईं, उसकी आंखों में ठंडक की झलक दिखी और लो किंगचेंग उसके थोड़े से बदलाव को पकड़ने में असफल नहीं हुआ ओ ऐसा लगता है कि आप ये झू को बहुत महत्व देते हैं ठीक है बेशक आप ऐसा करते हैं क्योंकि उस दौरान उसने सिर्फ आपकी रक्षा के लिए अपनी इच्छा से खुद को आत्मसमर्पण कर दिया था केवल उसने ही नहीं क्या रेन हुआंग ने भी आपको बचाने के लिए खुद को विस्फोट से उड़ाने का विकल्प नहीं चुना अदिति तुम सचमुच भाग्यशाली हो आपको जीवित रखने के लिए वास्तव में कितने जीवन का बलिदान दिया गया बात सिर्फ इतनी है कि हम नहीं जानते कि क्या आप आज उतने भाग्यशाली हैं या क्या ऐसा है कि जिन लोगों को आप लेकर आए हैं वे वास्तव में अंत में आपकी रक्षा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं ताकि आप एक पिटे हुए कुत्ते की तरह अपनी जान बचाने के लिए भागने में सक्षम हो लो किंगचेंग की आवाज इतनी भयानक थी मानो उसकी आवाज से जहर टपक रहा हो क्या उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति के कारण क्रोधित होना जरूरी था जो मरने वाला था क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अदिति की मृत्यु के दुखद तरीके की प्रशंसा करना चाहती थी जिससे वह निचले दायरे में आ गई अदिति की आंखों का जोड़ा थोड़ा सिकुड़ गया और उसकी आंखों में ठंडक घनी हो गई लो किंगचिंग के शब्द एक तेज ब्लेड की तरह थे जो अदिति के उस घाव को अचानक काट रहा था जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और उस खूनी घाव को सबके सामने उजागर कर रहा था यह वह स्मृति थी जिसे अदिति अपने पुनर्जन्म के बाद सबसे अधिक याद नहीं करना चाहती थी और इस बार वास्तव में कियाओचू और बाकी लोग गुस्से से भड़क उठे यह लगभग पलक झपकते ही हुआ था और कियाओचू और अन्य लोगों ने पहले ही अपनी रिंग स्पिरिट को बाहर बुला लिया था और अपने हथियार निकाल लिए थे उनके चारों ओर सोने की आत्मा की रोशनी तैर रही थी पांच वर्षों की साधना के दौरान उनमें से पांच ने अंत स्वर्ण आत्मा के स्तर को प्राप्त करने के लिए अपनी सीमा से परे जाने के लिए खुद को मजबूर किया ताकि वे उठ सके और अदिति के सामने खड़े हो सके जब किसी ने एक दिन उसका तिरस्कार किया था जैसे ही पांच स्वर्ण आत्माएं प्रकट हुई जी चांग विंग और वे या को झटका लगा ऐसा कैसे हो सकता है वे निचले दायरे में थे और वहां वास्तव में सोने की आत्माएं थी और जिस क्षण वे प्रकट हुए वास्तव में उनमें से पांच थे हालांकि वे दोनों पहले ही गोल्ड स्पिरिट्स के स्तर को पार कर चुके थे लेकिन इस दयनीय और हास्यास्पद निचले क्षेत्र में वास्तव में गोल्ड स्पिरिट्स थे यह तथ्य ही उन्हें बेहद हैरान करने के लिए पर्याप्त था किसी को पता होना चाहिए कि मध्य क्षेत्र में भी गोल्ड स्पिरिट्स बेहद दुर्लभ थे और यहाँ तक कि पूरे मध्य क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति जिसने कभी गोल्ड स्पिरिट बनने के लिए खुद पर भरोसा किया था वह स्पिरिट सेड पैलेस लॉर्ड था हालांकि क्याउचू और अन्य लोगों ने इस समय सोने की आत्मा की ताकत का खुलासा किया है इस स्थिति ने जी चांग विंग और वेईया को स्तब्ध कर दिया था यह एक ज्ञात तथ्य था कि बैंगनी आत्मा निचले दायरे में उच्चतम स्तर थी ये सोने की आत्माएं कैसे आईं यदि वे इसे अपनी आंखों से नहीं देखते तो वे कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि निचले क्षेत्र में वास्तव में सोने की आत्माओं का अस्तित्व होगा इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि क्याउचू और अन्य लोगों की उम्र एक नजर में देखी जा सकती थी अधिक से अधिक वे बीस के आसपास थे फिर भी वे स्वर्ण आत्मा के शिखर के करीब पहुंचने के करीब थे इससे पहले कि कोई भी उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें संकेत देने की स्थिति में हो ज्यादा समय नहीं लगेगा उनकी प्रतिभा के साथ स्पिरिट रिंग को संक्षिप्त करना मुश्किल नहीं होगा ऊपरी क्षेत्र में भी उनकी उम्र में ऐसी ताकत रखना बहुत मुश्किल था अन्यथा स्पिरिट रिंग इतनी दुर्लभ वस्तु नहीं होती मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि अभी भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो यहाँ निचले दायरे में दुखती आंखों के लिए दृश्यमान नहीं है वे या ने उपहास किया भले ही उसने उसकी ओर देखा कि और बाकी लोगों की प्रतिभा भी बहुत अच्छी थी ऐसी युवा प्रतिभाएं पहले से ही निचले क्षेत्र में ऐसी ताक़त प्रदर्शित कर सकती हैं अगर उन्हें ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश करना होता तो वे या पहले से ही पुष्टि कर सकते थे कि उनमें से कई निश्चित रूप से भविष्य में अपने स्वयं के स्पिरिट रिंग्स को संग्नित करने में सक्षम होंगे आप जो देखते हैं उसकी किसे परवाह है कि आउ चू ने व्यंग्य किया क्योंकि उसके हाथ में फ्लेम ड्रैगन बॉटलेट्स ने एक धधकती लौ प्रज्वलित कर दी जिससे उसके दिल में क्रोध की ज्वाला प्रकट हो गई हम्फ एक अज्ञानी बच्चा जो नहीं जानता कि क्या अच्छा है लेकिन आप में से कुछ लोगों को देखते हुए जिनके पास अभी भी थोड़ी प्रतिभा है मैंने बस आपकी प्रशंसा की और फिर भी आप मुझ पर अपनी मुट्ठी उठाते हैं इस छोटी कुतिया का पीछा करने से क्या फ़ायदा अपनी प्रतिभा के साथ यदि आप चाहें तो बस हमें ऊपरी क्षेत्र में वापस आए और आप अभी जितना प्राप्त कर सकते हैं उससे अधिक प्राप्त कर सकते हैं जी चांद ने यह भी देखा कि चू और अन्य लोग प्रतिभाशाली थे और वह वास्तव में समझ नहीं सके अदिति का अनुसरण करने में क्या फायदा था ये युवा उसका अनुसरण क्यों करना चाहेंगे और अपने भविष्य को सीमित क्यों करना चाहेंगे उनके विचार में जब तक वे अपनी प्रतिभा के साथ ऊपरी क्षेत्र में जाने के इच्छुक थे और कुछ वर्षों में यह अत्यधिक संभव था कि वे ऊपरी क्षेत्र में शीर्ष दस विशेषज्ञों की जगह भी ले सकते थे इतना अच्छा मौका उनके सामने रखा हुआ था फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझा जाए क्या आपने वह सब बकवास करना बंद कर दिया है यदि आपका काम हो गया तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रभुओं को आपके बदबूदार कुत्ते के ऊपरी दायरे में कोई दिलचस्पी नहीं है एकमात्र चीज जिसमें हमारी रुचि है वह है आप सभी का वध करना क्या चूनेजी चांग विंग को घूरते हुए अपने दांत पीस लिए उसका चेहरा फ्लेम ड्रैगन गोंटलेट्स की लपटों से रोशन हो गया न केवल अदिति की ऊपरी क्षेत्र से शत्रुता थी उन पर भी ऊपरी क्षेत्र का खून का कर्ज था जिस क्षण उन्होंने यान बोगुई को मार डाला उनका ऊपरी क्षेत्र में दुश्मन बनना तय था यदि उस वर्ष यान बुगुई नहीं होती तो वे पहले ही बारह महलों के ब्लेड के नीचे नष्ट हो गए होते वे कभी भी वह सब पूरा नहीं कर पाते जो उन्होंने आज किया उनके लिए यान बुगुई उनके गुरु थे जिन्हें वे अपना पिता मानते थे इस खून के कर्ज के लिए वे अपने दुश्मनों के साथ एक आसमान के नीचे नहीं रहेंगे इस समय क्याओचू और अन्य लोग यान बोगुई की मौत का बदला लेने के लिए सभी को पीट पीट कर नरक में भेजने की सोच रहे थे एक कृतघ्न लड़कों जब मौका मिले तो इतना बेशर्म बनना छोड़ दो किआवचू के अभिमानी व्यवहार ने जी चांग मिंग में असंतोष पैदा कर दिया था जिससे उसकी जोड़ी आंखें खतरनाक रूप से संकीर्ण हो गई। मैं आपका अवसर नहीं चाहता केवल एक चीज जो मैं चाहता हूँ वह है आपका जीवन चू ने व्यंग्य किया पाँच साल हो गए इतने समय से उनके भीतर जो क्रोध और असंतोष दबा हुआ था उसे और कौन समझ पाएगा उनके गुरु की मृत्यु जो उनके लिए बहुत बड़ा उपकारक था और उनके उन मित्रों का लापता होना जिनके साथ उन्होंने जीने या मरने की कसम खाई थी एक हज़ार आठ सौ से अधिक दिनों और रातों में हर दिन एक वर्ष की लंबाई जैसा प्रतीत होता था वे अनथीन अफसोस और गुस्से में जी रहे थे यहां तक कि जब यह उनके सपनों में था तब भी वे उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे ऊपरी क्षेत्र के खून से यान बुगुई की कब्र पर धूल साफ करेंगे आप क्याओचू की वजह से जी चांग विंग इतना क्रोधित हो गया कि उसे लगभग खून की खांसी हो गई निचले दायरे के ये लोग एक दूसरे से अधिक निडर होते जा रहे थे सबसे पहले यह अदिति थी जिसने खुले तौर पर ऊपरी दायरे को उकसाया था और फिर यह कियाओचू और अन्य कुछ लड़के थे जो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि अच्छे और बुरे के बीच अंतर कैसे किया जाए एक के बाद एक वे सभी पागल हो गए क्या आप लोग वास्तव में सोचते हैं कि गोल स्पिरिट बनने के बाद आप पूरी तरह से अजय हैं ऊपरी क्षेत्र में बहुत सारी सोने की आत्माएं हैं बात सिर्फ इतनी है कि मैं आपको ऊपरी क्षेत्र में पदोन्नत करने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों में कुछ प्रतिभाएं हैं लेकिन अगर आप इसकी सराहना करने से इनकार करते हैं तो बस मर जाए वे हाँ ने व्यंग्य किया यदि प्रतिभाशाली लोग उपयोगी हों तो उन्हें प्रशिक्षित करें यदि नहीं तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलने से पहले ही मार डालें मरे या जिए यह आप पर निर्भर नहीं है हुआ याओ ने ठंडे स्वर में कहा भले ही वह उसके जैसा शांत और परिपक्व व्यक्ति ही क्यों न हो उसकी आंखों में हत्या का इरादा भड़क रहा था दोनों पक्षों की भावनाएं धीरे धीरे बेकाबू हो रही थी दोनों सेनाएं अपनी आस्ती ने चढ़ाकर युद्ध के लिए तैयार हो गई हालांकि तभी अदिति ने अचानक अपने घोड़े को आगे बढ़ने का आग्रह किया उसने अपना हाथ उठाया और क्याओचू और अन्य लोगों को रोका जो आगे बढ़ने और लड़ने के लिए उत्सुक थे छोटी अदिति क्याओचू ने अदिति की हरकत को असमंजस में देखा स्तब्ध तथ्य यह है कि वे आज यहाँ एकत्र हुए हैं क्या इसलिए नहीं कि वे ऊपरी क्षेत्र से मौत तक लड़ना चाहते थे लेकिन अदिति ने उन्हें अचानक क्यों रोका अदिति ने एक शब्द भी बोलने के बजाय बस लो किंगचेंग को देखा जो अपनी ठंडी आंखों से उससे ज्यादा दूर नहीं था जैसे ही दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई ऐसा लगा जैसे अदिति पिछले पांच साल में फिर से वापस आ गई हो खून की बदबूदार गंध अभी भी उसकी नाक के आसपास घूम रही थी स्पिरिट्स जेड पैलेस के सभी छात्र घावों से लथपथ थे ऊपरी क्षेत्र से गोल्ड स्पिरिट्स के वध के दौरान खून से लथपथ होकर दर्द से चिल्ला रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बार फिर उस पल को देखा था जब जून वु ने अपनी पीठ घुमाई और उसे छोड़ दिया रेन हुआंग्स की आंखों में आखिरी कोमल और प्यार भरी नजर इससे पहले कि उसने खुद को और यान बुबुई के खूनी और उलझे हुए शरीर को उड़ा दिया पिछले पांच वर्षों का एक एक दृश्य इस क्षण उसके मन में उभर आया मानो सब कुछ कल ही हुआ हो अब क्या डर गया क्या लू किंगचिंग ने अपनी आंखें अदिति पर टिका दी उसकी आंखों के नीचे से एक क्रूर जानलेवा इरादा उभर आया उसे यह हास्यास्पद लगा कि अदिति ने अब तक किसी भी चीज का प्रतिकार नहीं किया है ऐसा व्यवहार क्यों करे जैसे आप मरने से नहीं डरते जबकि आप ऐसा करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं है आप बिल्कुल वैसे ही है जैसे पांच साल पहले थे अभी भी बेकार है और अभी भी वही बकवास है जो केवल भागना और अंधेरे में रहना जानता है हाहा हा लू किंगचिंग ने ऊपर देखा और जोर से हंसा पांच साल पहले अदिति इतनी मजबूत नहीं थी कि उसकी प्रतिद्वंद्वी बन सके और पांच साल बीत जाने के बाद भी स्थिति वैसी ही रहने वाली थी कुछ भी कभी नहीं बदला था लो किंगचिंग के शब्दों के कारण कियाओच्चू और बाकी लोगों के चेहरे के भाव खराब हो गए थे जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे अदिति ने अचानक अपनी बात कही लो किंगचिंग तुम्हारी दादी यहां है लो किंगचेंग ने व्यंग्य किया अदिति की ठंडी और स्पष्ट आंखें लो किंगचेंग की अहंकारी आंखों को घूर रही थी उसने एक एक करके अपनी बातें उगल दी क्या तुम मुझसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत करते हो अदिति ने जब एक बार बात की तो उनकी बातों ने सभी के होश उड़ा दिए थे अदिति और लो किंगचिंग एक परे ऊपरी क्षेत्र के सभी लोग अदिति को अविश्वास से देख रहे थे ऐसा लगा मानो उन्होंने कोई सनसनीखेज खबर सुन ली हो बस यह जानने के लिए कि लोवो किंगचिंग एक विशेषज्ञ थी जिसकी ताक़त उसके मास्टर के ठीक नीचे पूरे ऊपरी क्षेत्र में दूसरे स्थान पर थी यहां तक कि जी चांग मिंग और वेईया जो शीर्ष दस विशेषज्ञों का हिस्सा थे उनमें भी लो किंगचेंग के खिलाफ आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं थी अब तक लो किंगचेंग एकमात्र शीर्ष विशेषज्ञ थे जिन्होंने स्पिरिट रिंग के शिखर को हासिल किया था यदि डबल स्पिरिट रिंग उसके मास्टर के स्वामित्व वाली एकमात्र अद्वितीय प्रतिभा नहीं होती तो लो किंगचेंग आगे बढ़ती रहती तो डबल स्पिरिट रिंग के स्तर तक पहुंच जाती ऐसा कहा गया था कि भले ही झी चांग विंग और वेईया ने लो किंगचेंग के खिलाफ मिलकर काम किया हो फिर भी उनके लिए उसे कोई फायदा पाना मुश्किल होगा अदिति को तो छोड़ ही दे जो अभी इतनी छोटी थी जी चांग विंग और वेईया के लिए अदिति के शब्दों से खुद को मरने का रास्ता खोजने में कोई फर्क नहीं पड़ा सिर्फ तुम्हारे द्वारा और आपको लगता है कि आप मुझे चुनौती देने के मानक पर खड़े हैं उसकी बातों को गंभीरता से न लेते हुए लो किंगचेंग ने अपने होठों के कोनों को ऊपर की ओर मोड़ लिया पांच साल पहले अदिति उसके एक हमले को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और पांच साल बाद उसमें वास्तव में उसे चुनौती देने की हिम्मत थी वह बस कुछ मूर्ख थी जो कुछ खोखले सपनों के बारे में बात कर रही थी कियाओचू और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित दिखे इससे पहले उन्होंने अदिति को यह कहते हुए कभी नहीं सुना था कि वह लोअ किंगचेंग के साथ झगड़ा करने जा रही थी लो किंगचेंग का सामना करते समय जिसने वास्तव में उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया अदिति अजीब तरह से शांत रही और बोली पिछले पांच वर्षों में जहर ने आपको काफी कष्ट पहुंचाया होगा अदिति के केवल एक वाक्य के साथ लो किंगचेंग का गुलाबी चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और अगले ही पल उग्र हो गया उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई और अदिति को घृणा से घूरने लगी तुम कुतिया यह वास्तव में आप ही है आपने मुझ पर कौन सा जहर इस्तेमाल किया था लो किंगचेंग अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी पूरे पांच साल में उसे अपनी हालत किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं हुई यहां तक कि उसके गुरु ने भी शुरुआत में केवल एक बार ही उसकी चोट देखी थी और विभिन्न उच्च कुशल डॉक्टरों की मदद लेने के बाद भी उसके ठीक होने का कोई संकेत नहीं मिला लो किंगचेंग के जहर वाले घाव की स्थिति और भी बदतर हो गई घाव उसकी बाह से उसके चेहरे के एक तरफ तक फैल रहा था जिससे उसकी भव्य उपस्थिति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी तब से लो किंगचेंग हमेशा किसी से मिलने से पहले सावधानी से अपना चेहरा मेकअप से ढक लेती थी वह जो पहले ही अपनी सुंदरता की आदि हो चुकी थी अब किसी को भी अपनी कुरूपता का पता नहीं चलने देना चाहती थी अगर तुम लड़ाई जीतोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा अदिति लो किंगचेंग से बिल्कुल भी नहीं डरती थी जो अब गुस्से से उबल रहा था उसके स्वर में कोई बदलाव सुनाई नहीं दे रहा था लेडी किंगचेंग वह आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है वे या को अचानक किसी बात का एहसास हुआ वह तथाकथित जहर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था लेकिन उनकी बातचीत सुनकर वह आसानी से बता सकता था कि अदिति और लो किंगचेंग के बीच दुश्मनी पांच साल पहले से शुरू होनी चाहिए और अब अदिति ने फिर से इसका जिक्र किया है वह लड़ाई शुरू करने के लिए लो किंगचेंग को धोखा देने की कोशिश कर रही थी वे यहां उलझन में थी अदिति कितनी बहादुर थी कि उसने लो किंगचेंग को ऐसा जोखिम भरा सुझाव दिया अपना मोह बंद करें लो किंगचेंग उग्र रूप से करा उठा उसकी क्रोधपूर्ण आवाज से वे या का पूरा शरीर कांप उठा और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई लो किंगचेंग ने अपनी आंखें उठाई और अदिति की ओर देखा उस छोटे से चेहरे को देखकर जो पांच साल पहले से भी अधिक सुंदर और अधिक आकर्षक था उसके अंदर की ईर्ष्या बिल्कुल एक आजाद घोड़े की तरह थी जो बिना रुके बेथाशा दौड़ रही थी कुतिया चूंकि तुम तो मरना चाहती हो तो मैं ऐसा कर दूंगा लो किंगचेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली वह चाहती थी कि अदिति टुकड़ों में मर जाए आखिरी सांस लेने से पहले वह अदिति को दुनिया की सबसे दर्दनाक पीड़ा सहेगी वह उसे तुरंत नहीं मारेगी इसके बजाय वह अदिति के अंगों को काट देगी और उसे अपने दोस्तों अपने परिवार और अपने अधीनस्थों को मौत की यातना देने के दृश्य अपनी आंखों से देखने देगी अदिति और लुओ किंगचेंग के बीच लड़ाई होने की कगार पर थी वे दोनों युद्धभूमि के मध्य की ओर चल दिए दोनों तरफ से किसी ने भी आगे कदम नहीं उठाया क्योंकि उनके कमांडर ही युद्ध के लिए जा रहे थे ऊपरी क्षेत्र के लोग इस लड़ाई के बारे में पूरी तरह से चिंतित नहीं थे यहां तक कि मौत का सामना करने पर भी जी चांग और वेईया को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लोग किंगचिंग अदिति से हार जाएंगे स्थिति को देखते हुए यह अदिति की मृत्यु के समान था इसके विपरीत कियाओचू और अन्य लोग अदिति के फ़ैसले से चिंतित थे हालांकि उन्होंने लो किंगचेंग के साथ रास्ते को पार नहीं किया है लेकिन उस समय लो किंगचेंग की उपस्थिति के कारण जून वो याओ के हाथ बंधे हुए थे और जिसके परिणाम स्वरूप त्रासी हुई रेन हुआ को आत्मविनाश के लिए मजबूर होना पड़ा वे नहीं जानते थे कि लो किंगचेंग की ताकत क्या थी लेकिन वे बहुत स्पष्ट थे कि अदिति कितनी मजबूत थी लेकिन अदिति का हाथ जबरदस्ती पकड़ने में सक्षम होने का मतलब यह होना चाहिए कि लो किंगचेंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं था ऊपरी क्षेत्र की पचास हजार मजबूत सेना को देखते हुए हर कोई लो किंगचेंग के नेतृत्व का आज्ञाकारी रूप से पालन कर रहा था अगर उसके पास महान कौशल नहीं होता तो वह इस पद पर खड़ी नहीं हो पाती इसलिए अदिति के लो किंगचेंग से लड़ने के फ़ैसले के कारण वे आपत्ति नहीं कर सकते थे लेकिन वे उसके लिए घबराहट महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे वे केवल उस पर भरोसा कर सकते थे हवा का एक तेज झोंका अचानक गुजर गया और दोनों किनारों के बीच उस विस्तृत खुली जगह में दो पतली आकृतियां दिखाई दी दोनों सुंदर दोनों ठंडी और असंवेदनशील फिर भी उनमें से प्रत्येक ने हर किसी को एक अलग एहसास दिया यदि लो किंगचेंग की शीतलता हिमशैल की नोक बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी की तरह थी तो अदिति की शीतलता एक अथा शीतकालीन झील की तरह है एक शांत और संयमित लेकिन स्पष्ट अलगाव अदिति ने अपने घोड़े से छलांग लगाई और उसे सरपट दौड़ने देने से पहले उसे प्यार से थपथपाया फिर उसने लो किंगचेंग को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया जो अभी भी अपने घोड़े पर ऊंचे बैठा हुआ था लो किंगचेंग भी अदिति को देख रहा था उन दोनों के लिए यह प्रतिशोध की लड़ाई थी एक अपने ग्रैंड मास्टर और प्रियजनों के लिए लड़ रही थी और दूसरा सिर्फ दिखावे और इच्छा के लिए लड़ रहा था समान रूप से लड़ाई शुरू नहीं होने के बावजूद दोनों व्यक्तियों के भीतर नफरत की तीव्र भावना जल रही थी और यह आसपास के माहौल को अत्यधिक तनावपूर्ण बना रही थी परास्त लो किंगचेंग ने व्यंग्य किया जैसे ही वह अपने घोड़े से उछली लो किंगचेंग के हाथ में दिखाई देने वाली स्पिरिट रिंग बेहद चमकदार थी रात में आसमान से गिरने वाले सितारों की आभा की तरह यह चमकदार थी लो किंगचेंग ने हमला नहीं किया था लेकिन उसकी स्पिरिट रिंग की उपस्थिति ने पहले से ही आसपास की हवा को मजबूत आध्यात्मिक दबाव से भर दिया था ऊपरी क्षेत्र के भीतर सबसे मजबूत एकल स्पिरिट रिंग क्षेत्र रक्षक प्रकट हुआ था जब वेई या और जी चांगमिंग ने लो किंगचेंग की स्पिरिट रिंग की उपस्थिति देखी तो वे मदद नहीं कर सके लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई उनके दृष्टिकोण से लो किंगचेंग और अदिति के बीच का अंतर बादल और मिट्टी का था लो किंगचेंग को अपनी स्पिरिट रिंग का उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी और वह आसानी से अदिति की जान ले सकती है लो किंगचेंग जो चाहता था वह सिर्फ अदिति को हराना नहीं था वह वास्तव में अदिति को एक विनाशकारी झटका देना उसे पूरी तरह से नष्ट करना और अदिति और उसके बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाना चाहती थी आकर्षक स्पिरिट रिंग में एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसने कियाओचू और अन्य जो देख रहे थे अदिति के बारे में और भी अधिक चिंतित हो गए हालांकि अदिति अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाकर शांति से खड़ी रही गहरे हरे रंग की आभा वाली एक स्पिरिट रिंग धीरे धीरे उसके हाथ से उठी और धीरे धीरे विस्तारित हुई लो किंगचिंग की स्पिरिट रिंग की तुलना में अदिति के हाथ में स्पिरिट रिंग अपेक्षाकृत कमजोर लग रही थी ठीक चांदनी के नीचे खिलने वाले फूलों की तरह फिर भी प्रतीत होने वाले कोमल प्रभामंडल के भीतर कुछ छिपा हुआ था नांगोम लाई ने जो कहा वह सच है उसके पास वास्तव में एक आत्मा की अंगूठी है वेया की आंखें अविश्वास से थोड़ी बड़ी हो गई जब उसने अदिति के हाथ की हथेली में रखी स्पिरिट रिंग को देखा हालांकि अदिति के हाथ में स्पिरिट रिंग लो किंगचेंग की अंगूठी की तुलना में उतनी आकर्षक नहीं थी लेकिन फिर भी यह एक सच्ची और उचित स्पिरिट रिंग थी किसी को पता होना चाहिए कि पूरे ऊपरी क्षेत्र में जो लोग पूर्ण स्पिरिट रिंग को संक्षिप्त करने में सक्षम थे वे बहुत कम थे और जो लोग ऐसा करने में सक्षम थे वे सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे हालांकि उनकी आंखों के ठीक सामने खड़ी अदिति इतनी कम उम्र में भी पहले से ही इतनी पूरी स्पिरिट रिंग के कब्जे में थी वे या के लिए यह बिल्कुल अकल्पनीय और अविश्वसनीय था जब नांगोंगली ने इस बारे में बात की तो ऊपरी क्षेत्र में कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सका हालांकि सच्चाई उनके सामने प्रदर्शित हो गई और वे अविश्वास से स्तब्ध रह गए जब लो किंगचेंग ने अदिति की हथेली में स्पिरिट रिंग देखी तो उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अदिति के पास वास्तव में स्पिरिट रिंग होगी पांच साल पहले की अदिति हालांकि वह एक प्रतिभाशाली थी वह स्पष्ट रूप से सिल्वर स्पिरिट स्तर पर एक शिखर थी इतने कम समय में स्पिरिट रिंग पर महारत हासिल करना संभव नहीं था अचानक लो किंगचेंग के दिल की गहराई से बेचैनी की भावना उठने लगी उनकी प्राकृतिक प्रतिभा अद्वितीय थी लेकिन स्पिरिट रिंग को सघन करने में बहुत लंबा समय लगा स्पिरिट रिंग को पहली बार संघनित करने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक शिलालेखों को संघनित करने में वर्षों का समय लगाया हालांकि अदिति ने लो किंगचेंग की तुलना में स्पिरिट रिंग को मिलाने में जो समय बिताया वह स्पष्ट रूप से बहुत कम था एक पल में कम आंकने की भावना गायब हो गई और अदिति पर निर्देशित नफरत के अलावा लो किंगचेंग के भीतर डर की भावना जाग उठी भले ही अदिति ने इसे कैसे भी हासिल किया हो ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती भले ही अदिति और उसके बीच कोई नफरत या प्रतिशोध न हो लेकिन ऐसी ताकत वाले व्यक्ति को जीवित रहने की अनुमति देने का कोई तरीका नहीं था अदिति भविष्य में कितनी आगे बढ़ेगी कौन जानता है अदिति को खत्म करना होगा लो किंगचेंग ने अदिति के प्रति अवमानना को दूर करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली और अब जरा भी झिझक नहीं रखी क्योंकि उसका पतला शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया और मौके पर ही गायब हो गया इतनी तेजी फे यान ने चौड़ी आंखों से कहा अपनी आंखों में सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के बाद भी वह लो किंगचेंग की गति को पकड़ने में असमर्थ था यह किस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति का स्तर था क्या छोटी अदिति सचमुच इसे संभाल सकती है जैसे ही हर कोई अदिति के लिए चिंतित हो रहा था उक्त व्यक्ति की आकृति भी अचानक गायब हो गई अदिति जिस गति से गायब हुई वह लो किंगचेंग से जरा भी धीमी नहीं थी उस खुले स्थान पर दोनों व्यक्तियों की आकृतियां दोबारा नहीं देखी गई इसके बजाय उनके स्थान पर चांदी और काली रोशनी की एक किरण एक दूसरे से लड़खड़ाती हुई टकराई हर बार जब किरणें टकराती थी तो उसके बाद के झटकों से गर्मी की लहरें पैदा होती थी और उन मामलों में धूल उड़ती थी पूरे युद्ध क्षेत्र में कोई भी लड़ाई नहीं देखी जा सकती थी लेकिन फिर भी जमीन पर कई बड़ी दरारें पड़ गई यह लड़ाई उस स्तर से कहीं आगे निकल गई है जिसमें आम लोग भाग ले सकते थे युद्धरत जोड़ी द्वारा छोड़े गए आध्यात्मिक दबाव के आधार पर यह चू जैसे लोगों को पैदा करने के लिए पर्याप्त था जो पहले से ही सोने की आत्मा के दायरे में पहुंच चुके थे उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी अन्य लोग अदिति और लो किंगचेंग की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन जी चांगमिंग और वेई या जो अपने स्वयं के स्पिरिट रिंग्स को भी संक्षिप्त कर सकते थे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि क्या हो रहा था और उनके चेहरे पर राख पड़ गई थी दृश्य अराजक युद्ध के मैदान में अदिति और लो किंगचेंग लगातार लड़ रहे थे लेकिन एक पल में सौ स्ट्रोक बीत गए लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं था यह वही था जिस पर जी चांग मिंग और वे या विश्वास नहीं कर सकते थे वे पूरी तरह से जानते थे कि लो किंगचेंग कितनी मजबूत है क्योंकि उन दोनों को भी भरोसा नहीं था कि वे उसे आमने सामने के मैच में हरा सकते हैं लेकिन क्या अदिति ऐसा कर पाई एक स्पिरिट रिंग जिसे सघनित होने में केवल पांच साल लगे वह वास्तव में लो किंगचिंग की स्पिरिट रिंग के खिलाफ जाने और सौ स्ट्रोक का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी वास्तव में इसने झीचांग विंग और वे या के मन में अदिति के प्रति जो अवमानना भाव था उसे तुरंत नष्ट कर दिया इतने में ही दोनों के बीच सहमति बन गई उन्हें यकीन था कि अगर उनमें से कोई भी अदिति से लड़ रहा होता तो न केवल वे उसे मार नहीं पाते बल्कि उससे न हारना ही सभी के लिए सबसे अच्छा परिणाम होता अगर उन्होंने उसकी हर हरकत को अपनी आंखों से इतनी स्पष्टता से नहीं देखा होता तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ऐसी अद्भुत और प्रभावशाली महिला वास्तव में निचले दायरे में मौजूद थी यदि वह ऊपरी क्षेत्र से होती तो अपनी क्षमताओं के आधार पर अदिति शीर्ष दस विशेषज्ञ प्रतिपादकों में से एक होती निश्चित रूप से शीर्ष तीन में क्या यह एक मजाक है आखिर वह कहाँ से आ गई यह विश्वास करना कठिन है कि वह इतनी मजबूत है जी चांद विंग की आवाज़ का लहजा भी बदल गया है इस समय उनमें अब नांगोंग लाई की उदासी का तिरस्कार करने की हिम्मत नहीं थी यदि यह वह होता तो उसकी स्थिति लाई से बेहतर नहीं होती यह औरत बिल्कुल इंसान नहीं थी वह एक राक्षस थी वे या के चेहरे का भाव अत्यंत भयावह था क्योंकि अदिति की क्षमताएं उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी जैसे जैसे लोगों किंगचेंग और अदिति के बीच लड़ाई बढ़ती तीव्रता के साथ बढ़ती गई वह रात्रि शासन के सैनिकों के समूह की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी अदिति की ओर से यह झूठा घमंड नहीं था उसने ऊपरी क्षेत्र को भड़काने का साहस किया क्योंकि उसके पास वास्तव में मजबूत क्षमताएं थीं यह वह क्षण था जब वेई या को एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में अदिति और निचले क्षेत्र को कम आका है यह स्थान जिसे लंबे समय तक एक बरबर कूड़े का ढेर माना जाता था ने असुरों के युद्ध क्षेत्र के रूप में उन्हें हथप्रभ कर दिया था क्या बात है वेई क्या हम उस राक्षसी वंश को अनियंत्रित होकर भागने देंगे जी चांग मिंग ने घबराहट में पूछा इससे पहले वह अदिति को पूरी तरह से गंभीरता से नहीं लेता था लेकिन अभी यह देखने के बाद कि अदिति क्या करने में सक्षम है वह मदद नहीं कर सका लेकिन डर और चिंता से व्याकुल हो गया देखो और इंतजार करो वे या ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा लू किंगचेंग के दिल में सदमे की भावनाएं प्रकट होने लगी उसने शुरू में सोचा था कि वह तीन स्ट्रोक के भीतर अदिति के खिलाफ लड़ाई जीत सकती है लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सौ से अधिक स्ट्रोक के बाद भी अदिति पूरी ताकत से लगातार उसके हमलों को विफल करने में सक्षम थी वर्तमान स्थिति के कारण लू किंगचेंग डर से थोड़ा पीला पड़ गया आपने इन पांच वर्षों में क्या किया यह असंभव है कि तुम इतने मजबूत हो गए हो लू किंगचेंग ने अदिति से दूरी बनाने के लिए लड़ाई के दौरान अंतराल का इस्तेमाल किया काफी समय से उसका सामना ऐसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं हुआ था जिससे निपटना इतना कठिन हो इस हद तक कि लू किंगचेंग को खुद संदेह था कि जो अदिति उसके सामने खड़ी थी वह वही व्यक्ति थी जो पांच साल पहले वापस लड़ने में असमर्थ थी जैसे ही जून वो जी शांति से अपनी जगह पर खड़ी रही उसकी ठंडी आंखें लो किंगचेंग के आश्चर्यचकित चेहरे पर घूम गई स्पिरिट रिंग की गहरी हरी आभा जो युद्ध के साथ विस्तारित हुई थी उसकी फीकी चमक उसके आश्चर्यजनक चेहरे को प्रतिबिंबित कर रही थी मैंने जो कुछ भी किया वह इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें मार सकूं अदिति ने उत्तर दिया जैसे उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी चमक चमक उठी लो किंगचेंग को अपनी बात कहने का समय दिए बिना अदिति अचानक उसकी ओर बढ़ी